करनाल में रेलवे स्टेशन पर हुई लूट का खुलासा हो गया है। लूट की साजिश गाड़ी चालक ने ही रची थी। इस मामले में पुलिस ने गाड़ी चालक समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। करनाल रेलवे स्टेशन के पार्किंग एरिया में हुई लूट मामले में बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। इस मामले में पीड़ित का ड्राइवर ही शामिल था। राहुल नाम का यह ड्राइवर पीड़ित सीताराम की गाड़ी चलाने के साथ बैंक का काम भी देखा करता था। मामले में पुलिस ने आरोपी ड्राइवर के भाई रोहित के साथ संजय नाम के एक और आरोपी को अरेस्ट किया है। बाइक पर सवार इन दोनों ने ही रुपयों से भरा बैग छीना था। सूचना पर हमारी सिटी सिटी सिविल लाइन और जीआरपी की पुलिस भी वहां पर मौके पर पहुंची थी और वहां पर एक सीताराम नाम का व्यक्ति जो गाड़ी में सवार था उसने बताया कि दो व्यक्ति एक मोटरसाइकिल पे आए और एक बैग छीन के फरार हो गए जिसमें टोटल 8 लाख अराउंड उन्होंने अमाउंट बताई थी। लेकिन आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ ही ये केस खत्म नहीं हो जाता। मामले में दिलचस्प मोड़ ये है कि आरोपियों के बाद अब खुद पीड़ित भी सवालों के घेरे में है। दरअसल करनाल पुलिस के एसपी गंगाराम पुनिया के मुताबिक पुलिस को 24,41,000 की रकम बरामद हुई है, जबकि पीड़ित ने महज 8 लाख रुपए की लूट की तहरीर दी थी। अब सवाल यही है कि अगर सीताराम ने सिर्फ 8 लाख रुपए लूटे तो पुलिस को 24,41,000 रुपए की बड़ी रकम कैसे बरामद हो गई। बताई गई रकम से 3 गुनी इस रकम के बारे में क्या पीड़ित सीताराम को जानकारी है? एसपी ने से लेकर सीताराम से भी पूछताछ की है। सीआईए 1 की और डिटेक्टिव स्टाफ की टीमें भी दोनों इस मामले की जांच कर रही थी, तहकीकात कर रही थी। जांच के दौरान हमने काफ़ी सीसीटीवी फुटेज का भी एनालिसिस किया और जो राहुल जो कि गाड़ी में ड्राइवर था और जो एक्चुअल में उमेश नाम का व्यक्ति जिसके साथ में सीताराम भी काम करता है वहाँ से जो कैश लेकर के आए थे तो उस राहुल से भी हमने पूछताछ की थी। राहुल पे हमें थोड़ा सा शुरू से ही इस मामले में डाउट सा हो रहा था, उसके आधार पे जांच को हमने आगे बढ़ाया और आज हमने जो इस मामले में राहुल का एक भाई है रोहित और एक संजय, इन 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जो वारदात में बरामद की गई थी मोटरसाइकिल वो भी इस्तेमाल की गई थी मोटरसाइकिल वो भी बरामद कर ली गई है। यानी लूट का शिकार सीताराम भी अब पुलिस के सवालों के घेरे में है। सवाल यही है कि क्या उसने पुलिस को गलत जानकारी दी या फिर मामला कुछ और है। अब बड़ा सवाल ये है कि पीड़ित ने एफआईआर में 8 लाख रुपए की लूट की बात कही थी लेकिन असल में लूट 24,41,000 रुपए की हुई थी। ऐसे में पुलिस पीड़ित से ये पता लगाने का प्रयास करेगी कि एफआईआर में उसने रकम गलत क्यों लिखवाई थी।